सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, एक बार फिर से आपका नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8:50 और पौने नौ बज रहे हैं, नौ बजने में भी 10 मिनट है। तो मैं चलता हूँ यहाँ से, फटाक से मेट्रो लेता हूँ और चलता हूँ यूनियन मेट्रो स्टेशन। वहाँ पे मेरे दो कलीग आज वापस आने वाले, उनके साथ हमें फील्ड पे जाना है। सो उन दोनों को आज दूसरे दो कलीग हैं, उन लोग को मेरे को लेके अल्की से वेयर हाउस साइड जाना है। तो चलता हूँ मैं यूनियन से, उनको मेट्रो में लेके जाऊँगा मैं अलनादा अल्की से, वहाँ से बस लेके हमें जाना पड़ेगा लोकेशन पे। तो आज का पूरा दिन आउटडोर्स रहेगा 4:30 बजे तक। तो चलो चलते हैं, ऐसे निकलते फटाफट और आप लोग को लेके चलता हूँ अल्की से एरिया में और दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं वहाँ पे। सो हे गाइस, मैं हूँ इस वक्त अल्की से इंडस्ट्रियल एरिया में। ये चेक करें, यहाँ पे पूरा वेयर हाउस और शॉप्स वगैरह हैं, ऑफिस वगैरह हैं। अभी जस्ट जो बचे हुए तीन मेरे जो दो स्टाफ थे आज मेरे साथ आए थे, उनको मैंने सुबह से ट्रेनिंग दी और अभी उनको मैंने एक एक एरिया दे दिया है काम करने के लिए और मैं जा रहा हूँ फिलहाल दूसरे एरिया में। अभी टाइम हो रहा है 11:51, 12 बज रहे हैं और मैं सुबह के बाद सीधा अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो लोग मेरे साथ में थे, मेरे कलीग, तो मेरा ध्यान उनको ट्रेनिंग देने में, उनसे फोकस करने में था। तो इस वजह से मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया। अभी जस्ट मैं फ्री हुआ उन लोग से, उन लोग को सब कुछ बता के, उनका काम बता के, तो मैं सोचा आप लोग को अपडेट दे देता हूँ और दिखा देता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया का माहौल कैसा क्या है। चेक कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। आपको ऑटोमोबाइल्स के वेयर हाउसेस और पेंट्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज के काम होते हैं उसके लिए यूज़ में आने वाली चीज़ों का वेयर हाउसेस है। ये चेक करें, यहाँ पे ग्लासेस का फैक्ट्री है, ग्लासेस कटिंग होती है, ग्लासेस बनती है। सो यही है पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, इसी को इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं। बड़े बड़े वेयर हाउसेस में पेंट्स के शॉप, वुड के फैक्ट्रीज है। देखें सामने वुड लोड हो रहा है ट्रक में, क्योंकि वुड कटिंग की फैक्ट्रीज है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, दुबई में, शारजाह में, कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया हो इसी प्रकार रहता है। सो अब चलता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और 12:30-1 बजे तक आप लोग से मिलता हूँ। फिर आप लोग से थोड़ा जो भी अपडेट रहेगा वो दूंगा और शेयर करूँगा। सर गाइस, मुझे आप लोग को एक चीज़ अपडेट करनी थी। मैं यहाँ पे आदिल में आया था, ये आदिल द होम ऑफ इंडियन फूड स्टफ। लिटरली यहाँ पे इंडिया की हर एक ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं, वो पतंजलि के जो माउथ फ्रेशनर्स होते हैं या पतंजलि खाना खाने के बाद जो हाजमा होता है वो सब हो, पतंजलि का तेल हो, क्रीम हो, या इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे मैगी। अब मैंने जैसे ये जीरू लिया, इंडिया में ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये इंडिया में मिलता है ये ब्रांड का, एक्जॉटिक ब्रांड का। यहाँ पे कहीं दुबई में मैंने कहीं भी ये ब्रांड का ये जीरा वाला जूस नहीं देखा था, मगर मैं इसमें घुसा और इसमें इंडिया के हर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, फ्रूटी या जो भी कह लो, इंडिया का राशन से लेके हर एक चीज़। सो अगर आप इंडियन प्रोडक्ट्स कुछ ढूंढ रहे हो इंडिया के प्राइस में, सो आप यहाँ पे आ सकते हो आदिल फूड स्टफ। ये आपको हर जगह मिल जाएगा पूरे दुबई में, आप यहाँ पे आके विजिट करो, आपको इंडियन जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हो ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल 12:30 बज रहे हैं, मैं थोड़ा सा ये ड्रिंक एंजॉय करता हूँ गर्मी को भगाने के लिए, बाकी मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में मैं। सो गाइस, 1 बज चुके हैं और मैं इस वक्त हूँ बस स्टेशन में अल्की से अलनादा के, चेक कर सकते हैं। और बाहर इतनी तगड़ी धूप है ना गाइस कि ये बस स्टेशन के सहारे में थोड़ा राहत मिल रही है, अंदर मस्त चिल्ड एसी है। सो 1 बज चुका है, थोड़ा अंदर रेस्ट लेता हूँ एसी में और फिर लंच वगैरह करूँगा सीधा घर जाके। अभी नहीं, 2 बजे घर के लिए निकलूँगा, तब तक यहीं पे थोड़ा 10-15 मिनट रेस्ट करके बचे हुए टाइम में काम करता हूँ, फिर 2 बजे निकलता हूँ घर के लिए और घर में लंच वगैरह करके फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे हम लोग। सो गाइस, 1:45 हो चुका है, 2:15 बज चुके हैं और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। मुझे अराउंड आधा घंटा लगेगा घर जाने में, वहाँ पे खाना वाना खाता हूँ, लंच करता हूँ और फिर वहाँ से निकलूँगा इसके लिए, ऑफिस के लिए। फिर ऑफिस पहुँचने में 40-45 मिनट्स लगेंगे, बाकी वो सामने चेक करें अल्की से का इंडस्ट्रियल एरिया एक्सचेंज कुछ ऑफिस है वो वहाँ पे, पता नहीं एग्जैक्टली क्या होता है वहाँ पे ऑफिस में, बट चलता हूँ मैं भी अभी यहाँ से। सामने वो बस स्टैंड है रोड के उस साइड, वहाँ पे चेक करें, मैं दिखाता हूँ आपको। वो देखिए वहाँ पे बस स्टैंड है, सो वो बस मुझे लेके जाएगी मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइन, वो ग्रीन लाइन लेके मैं शरफ डी जी जाऊँगा। सो चलता हूँ यहाँ से, निकलता हूँ और घर चल के लंच वंच करके फिर मैं
निकलूंगा सीधा ऑफिस के लिए। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं खाना वाना खा के लंच वगैरह हो चुका है और रेडी हूँ निकलने के लिए ऑफिस के लिए। सो अभी यहाँ से मेट्रो लूंगा बुर्जुमन से और सीधा चलूंगा ऑफिस, और अब सीधा आप लोग से मुलाकात होगी शाम को, बिकॉज अब जाके जो भी 4:30 बजे तक मैं पहुंचूंगा, फिर जाने के बाद 1-1.5 घंटा जो भी काम रहेगा वो ऑफिस में करूंगा और आप लोग से सीधा मैं मिलूंगा ऑफिस से आने के बाद। सो चलो चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। और ऐसा कुछ है अपडेट बाहर के आफ्टरनून वेदर का, और वो चेक करें एमिरेट्स की फ्लाइट टेक ऑफ लेते हुए। सो चलो चलते हैं, अब निकलता हूँ यहाँ से और आप लोग से मिलता हूँ मैं शाम। बुर्ज खलीफा दुबई मॉल। المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is برج خليفة دبي مول.